नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने की बीएमसी की कार्रवाई पर बंबई हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बीएमसी से अदालत ने मांगा जवाब। मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद भड़की फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, कहा मेरे दफ्तर में नहीं कोई अवैध निर्माण, बीएमसी ने चलाया कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर। शिवसेना संजय राउत का बड़ा बयान, कंगना के बयान पर बोले हमने ही तोड़ी थी बाबरी मस्जिद, कुछ लोग हमारी पार्टी को कह रहे हैं बाबर सेना। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला करणी सेना और आरपीआई का समर्थन, घर के बाहर एकत्रित हुए करणी सेना के कार्यकर्ता अनुपम खेर और संजय निरुपम ने भी किया समर्थन। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई पर उठाया सवाल, अपने कार्यालय को बताया राम मंदिर, कहा आज वहां बाबर आया है फिर बनेगा मंदिर। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आज मेरा घर टूटा है कल उनका घमंड टूटेगा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ईपीएफओ का ब्याज पर बड़ा फैसला, वर्ष 2019-20 के लिए मिलेगा 8.5% ब्याज, दो किस्तों में जुड़ेगा खाते में ब्याज। ईपीएफओ की तरफ से अभी सिर्फ 8.15% ब्याज दिया जाएगा, शेष ब्याज दिसंबर में दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, नॉर्वे के सांसद ने किया ट्रंप को नामित, इसराइल यूएई के बीच शांति समझौते में ट्रंप ने निभाई थी अहम भूमिका। कोरोना से पीड़ित बच्चों के इलाज में प्रभावी है प्लाज्मा थेरेपी, रिसर्च में हुआ खुलासा, जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक ब्लड एंड कैंसर में प्रकाशित हुई है रिपोर्ट। भारत के साथ तनाव के बीच चीन की कुटिल करतूत, सीमा पर तिब्बत मिलिट्री कमांड के 71वें बैटल ग्रुप के HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्स सहित भारी सैन्य बल किया तैनात, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास अहम चोटियों पर घुसपैठ करना चाहता है चीन, भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद बौखलाया ड्रैगन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा महामारी के नाम पर असंगठित क्षेत्र को किया बर्बाद, करोड़ों लोगों का रोजगार छीना, बंद हुए छोटे उद्योग। कोरोना वायरस के कहर के बीच भारत में अच्छी खबर, अब तक स्वस्थ हुए 33,98,844 मरीज, मृत्यु दर गिरकर 1.69% हुई। भारत में 24 घंटे में आए 90,000 से ज्यादा मामले, अकेले महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा केस, 5 राज्यों से रिपोर्ट हुए 60% मामले। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,77,00,000 के पार, अब तक 9,00,000 से ज्यादा की मौत, 1,98,00,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,94,000 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 65,00,000 के पार, संक्रमण के मामले में पहले स्थान पर है अमेरिका। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने का निर्णय बीएमसी अधिकारियों का, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सपा विधायक अबू आजमी ने साधा कंगना रनौत पर निशाना, कहा अभिनेत्री ने किया महाराष्ट्र का अपमान, कंगना ने पीओके से की थी मुंबई की तुलना। अक्षय कुमार आज 53 वर्ष के हुए, इस मौके पर उनकी आगामी फिल्म बेल बॉटम का पोस्टर जारी हुआ जिसमें अक्षय कुमार का लुक नजर आ रहा है। इस फिल्म की इंग्लैंड में अक्षय कर रहे शूटिंग। सुशांत मामले में फंसी रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म बनाने की ख्वाहिश, दबंग 3 के निर्माताओं में से एक निखिल द्विवेदी ने किया ट्वीट, जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम आपके साथ काम करना चाहेंगे।